अरे वाच, नहीं नहीं जोर नहीं लगा यार, मैं हार जाऊंगा वाच। अरे अरे यार, हाँ चाचू, आज फिर मैं आपसे जीत गया। वाच बेटे, पहले नाश्ता करो, उसके बाद रेसलिंग होती रहेगी। भाई इन बच्चों की वजह से ही तो घर में रौनक है। अब देखो ना, वरीशे इस वक्त नहीं है तो टेबल कितनी सुनसान सुनसान सी लग रही है, वरना वो यहाँ होती तो शोर मचा रही होती कि दादा आप वहाज से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। और अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं यही कहूंगा कि बाबा वरीशा से ज्यादा प्यार करते हैं। रसा बेटा, जल्दी से नाश्ता करो, वरीशा को लेके जाओ डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, ध्यान रखा करो, बच्चों के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं। जी बाबा, मैं बस जान। यहाँ क्या कर रहे हो? और कि तुम लोगों को तमीज नहीं है खेलने की? इस तरीके से कोई खेलता है? ये तुम किस अंदाज़ में बात कर रही हो? तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो सुबह सुबह तुमने जो ड्रामा शुरू किया है उसे बाहर जाके खत्म भी करो। अब उठो और वरीशा को डॉक्टर के पास लेके चलो। कौन सा ड्रामा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मुझे तुमने कहने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है महक। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें यहाँ इस घर में तकलीफ क्या है। सब लोग तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वरीशा का इतना ख्याल रखते हैं, फिर हर रोज तुम एक नया छूट गढ़कर घर की जिम्मेदारियों से भागती क्यों हो? और ऊपर से तुमने बच्ची को झूठ बोलना भी सिखा दिया है। कुछ तो मेरी इज्जत रखो यार। अच्छा, मैं झूठ बोलती हूँ तो बाहर जाकर सबको सच सच बता दे, क्यों मेरे झूठ पर पर्दा डालते हैं? और अगर वरीशा बीमार नहीं है तो ये डॉक्टर के पास जाने का ड्रामा मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं महक। बी जान और बाबा जान से लड़कर उनके फैसले के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की थी, फिर भी उन्होंने सब भुलाकर तुम्हें इज्जत दी, घर की बहू का मुकाम दिया, तुमने मेरा सारा मान नहीं रखा। मुझे अफसोस है कि बी जान ने तुम्हारे बारे में जो कहा था तुमने उसे सही साबित कर दिया। एक मामूली सेक्रेटरी हमारे घर के हमारे खानदान के तौर तरीके नहीं समझ पाई। इसका मतलब है मैं ठीक ही कहती हूँ कि आपके घर वाले मुझे मामूली समझते हैं, लेकिन आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। उठते बैठते आपकी बीवी और बेटी को यह एहसास दिलाया जाता है कि हम भाभी और वहाज से कमतर हैं। इतनी सी बच्ची को वहाज की मिसालें दी जाती हैं। वहाज की पढ़ाई देखो, वहाज के नंबर देखो, वहाज ये वहाज वो, बार बार पर इसको जलील किया जाता है। इसे जलील करना नहीं, समझाना कहते हैं। वरीशा को वहाज की मिसालें इसलिए दी जाती हैं ताकि वरीशा वहाज से कुछ सीख सके। हाबी घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ वहाज की तरबियत कर रही हैं। मुख्तार भाई को किसी मामले में भी भाभी को उंगली पकड़कर चलाना नहीं पड़ता महक, और ना ही बी जान को ने कोई काम कहना पड़ता है, वो खुद आगे बढ़कर सारा काम करती हैं। अच्छा बस बहुत हो गया भाभी नामा, मैं पहले भी ये बात कह रही थी, मैं अब भी ये बात कहूंगी, मुझे और वरीशा को इस घर में नहीं रहना। अपनी जायदाद में से हिस्सा लें और हमें अलग घर लेकर दें। ये रोज रोज के तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, अजाब बन गई है जिंदगी मेरी।